तपस्या अपने माता पिता के साथ भानपुर गांव में रहती थी। तपस्या बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति करती थी। उसका नियम था रोजाना सुबह सुबह शिव मंदिर में जाना और पूरे मंदिर की साफ सफाई करके शिवलिंग की पूजा करना। तपस्या के पिता किसान थे। एक छोटी सी जमीन पर जो थोड़ा बहुत अनाज उगता उसे बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेते थे। तपस्या 12वीं पास थी। पैसों की तंगी के कारण वो शहर पढ़ने नहीं जा सकी। गांव में ही रहकर वो बच्चों को एक आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ाती थी। सबसे प्यार से बोलना, बड़ों की इज्जत करना उसके स्वभाव में शामिल था। एक दिन, अरे तपस्या बिटिया, आज बड़ी सुबह सुबह मंदिर की साफ सफाई कर दी। जी पंडित जी, आज स्कूल के बच्चों की परीक्षा का दिन है, थोड़ा जल्दी स्कूल पहुंचना है तो सोचा आज तड़के ही उठ जाऊं। अच्छा पंडित जी, अब मैं चलती हूँ। खुश रह बिटिया, बड़ी प्यारी बच्ची है, भगवान भोलेनाथ की परम भक्त है ये अपनी तपस्या। तपस्या स्कूल पहुंचने के लिए जल्दी में थी। अचानक वो किसी से टकरा जाती है। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो तपस्या? मेरे सामने से हट जाओ गजेंद्र, वरना मैं पिताजी को बोलकर ठाकुर साहब से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। अरे तू क्या शिकायत लगवाएगी, तेरी बात ठाकुर साहब मानेंगे तब ना, जाकर देख ले ये भी। गजेंद्र ठाकुर का खास नौकर था। वो तपस्या को हर समय आते जाते तंग करता था। तपस्या इन बातों से बहुत दुखी होती थी। अब उसने अपने पिता को बोल ही दिया, बापू ये गजेंद्र की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। जब देखो राह में रास्ता रोककर परेशान करता है। तू परेशान मत हो बेटा, मैं अभी ठाकुर के पास जाता हूँ और इस बारे में बात करता हूँ। रामप्रसाद ठाकुर भानसिंह के पास जाता है और गजेंद्र की सारी बात बताता है। एक बात बोलूं रामप्रसाद, अपनी बेटी को घर में रख, इधर उधर गांव में मास्टरनी बनी घूमती रहती है, लड़कियों का घर में रहना ही शोभा देता है, समझा के? बेचारा रामप्रसाद एक गरीब किसान था, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता था। ठाकुर से गांव में सब डरते थे। वो चुपचाप वहां से चला जाता है। एक दिन शिव मंदिर के बाहर गजेंद्र फिर से तपस्या का रास्ता रोक लेता है और तपस्या का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तपस्या उसे चांटा लगा देती है। गजेंद्र गुस्से में आ जाता है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, इससे पहले यहाँ से चले जाओ। देख लूंगा तुझे, बस एक मौका हाथ लगने दे। गजेंद्र गुस्से में भरा वहाँ से चला जाता है। तभी पंडित जी बाहर आ जाते हैं। अरे तपस्या बिटिया, ये गजेंद्र एक नंबर का गुंडा है, इसके मुंह ना ही लगो तो अच्छा है। अब अपना मन मत खराब कर बिटिया। अच्छा अब परसों शिवरात्रि है तो मंदिर में ठाकुर साहब सोने का कलश और माँ पार्वती को सोने के गहने चढ़ा रहे हैं। बहुत बड़ा भंडारा होगा, अपने माँ बाबू को भी दर्शन के लिए मंदिर लेती आना बिटिया, ठीक है ना? ठीक है पंडित जी, मैं ले आऊंगी। शिवरात्रि के दिन ठाकुर भानसिंह शिवलिंग पर सोने का कलश और माँ पार्वती को सोने के गहने चढ़ाता है। भीड़ के कारण तपस्या अपने माँ बापू के साथ मंदिर के बाहर ही खड़े होकर दर्शन करती है। अगले दिन तपस्या सुबह सुबह मंदिर की सफाई करके स्कूल चली जाती है। पीछे से, अरे माँ पार्वती के गहने कहाँ हैं? मंदिर में चोरी हो गई। गहनों की चोरी किसने की? ठाकुर साहब को बताता हूँ। पंडित दौड़ता दौड़ता ठाकुर के पास जाता है। ठाकुर साहब, माँ पार्वती के गहने चोरी हो गए। क्या, अरे किसकी हिम्मत से जो इस गांव के मंदिर में मेरे द्वारा चढ़ाए गए गहनों को चोरी कर ले? पिताजी मुझे टॉफी खानी है अभी इसी वक्त। अरे ठकुराइन, अरे ये बंसी को अंदर ले जा, यहाँ जरूरी बात चल रही है। ठाकुर का बेटा बंसी कुछ साल पहले सिर में आई चोट के दौरान मंद बुद्धि हो गया था। बहुत इलाज कराने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हुआ था। अरे ओ गजेंद्र, अब जरा जीप निकाल, मंदिर में गहनों की चोरी हो गई है। पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे अभी हम काम से जा रहे हैं, ठकुराइन इसे अंदर लेके जा।
नहीं, मैं भी चलूंगा, मुझे जाना है जीप पर घूमने। अच्छा अच्छा, चल बैठ जा, तू ना मानेगा आज। ठाकुर मंदिर पहुंचता है और आसपास में सभी से पूछताछ की जाती है, पर कोई भी जवाब नहीं मिलता। आखिर चोर है कौन? अरे ऐसी हिम्मत कौन कर सकता है? ठाकुर साहब, ये पता चल जाए कि आज सुबह सुबह मंदिर कौन आया था, बस वही मंदिर के गहनों का चोर है। आ, ये ठीक रहेगा। क्यों पंडित जी, सबसे पहले सुबह सुबह कौन मंदिर आता है, कुछ पता है के? ठाकुर साहब, सुबह सुबह तो बस तपस्या बिटिया ही मंदिर की साफ सफाई करने आती है और पूजा पाठ करके चली जाती है, पर उसे तो ये कार्य करते हुए बरसों बीत गए। अरे पंडित जी, इंसान की नियत बदलते देर नहीं लगती, अरे तपस्या को अभी बुलवाओ। ठाकुर अपने एक आदमी को तपस्या के घर भेजता है। तपस्या कहाँ है? उसे ठाकुर साहब ने अभी इसी वक्त शिव मंदिर बुलाया है। मेरी बेटी को ठाकुर साहब बुला रहे हैं, पर क्यों? सुनो जी तपस्या के बापू, तपस्या को ठाकुर साहब ने बुलाया है। अब क्या काम है ठाकुर साहब को तपस्या से? पता नहीं, मंदिर में गहनों की चोरी के सिलसिले में पूछताछ करनी है शायद। मुझसे पूछताछ करनी है? जल्दी चलो, ठाकुर साहब गुस्सा करेंगे, जल्दी चलो। चलो बापू, पता नहीं मुझसे क्या काम है। तपस्या शिव मंदिर पहुंचती है। अरे तपस्या, सच सच बता दे, मंदिर के गहने तूने कहाँ छिपाए हैं? कौन से गहने ठाकुर साहब? मैंने कोई गहने नहीं चुराए, सुबह तो माँ पार्वती के ऊपर गहने थे जब मैं आई थी। तो क्या गहनों को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? सीधी तरह बता दे गहने कहाँ हैं? ठाकुर साहब, मेरी बेटी ने कोई चोरी नहीं की, हमारा विश्वास कीजिए, मेरी बेटी परम शिव भक्त है, वो भला ऐसा घिनौना काम क्यों करेगी। अरे चल हट रहे, ठाकुर साहब के आगे आंसू मत बहा, ये लड़की अभी गहने वापस करेगी। हे भोलेनाथ, मैंने आपकी सच्चे मन से हमेशा पूजा की है, आज आपकी भक्त को चोर कहा जा रहा है, वो भी आपके ही मंदिर की चोरी। हे शिव शंकर, मेरी सहायता करो। अरे ऐसे भगवान सुनने लगे तो मैं सबसे ज्यादा ध्यान पुण्य करता हूँ, समझी के? मेरे बंसी के लिए कितने इलाज किए और कब से इस शिव मंदिर में दान कर रहा हूँ, मेरी तो आज तक नहीं सुनी। मेरा इकलौता बेटा बंसी इतने सालों से ठीक नहीं हुआ, क्या तेरे शिव शंकर तेरी ज्यादा सुनते हैं के? हैं? तो बोल उन्हें मेरे बंसी को ठीक कर दें, क्या है उनमें इतनी शक्ति हैं जो तेरी सुन लेंगे और गहनों के चोर का पता चल जाएगा। बात कर रही है। तभी तपस्या को बंसी के हाथ में एक चूड़ी दिखाई देती है जो माँ पार्वती को चढ़ाई गई थी। ठाकुर साहब, आपके बेटे बंसी के हाथ में कुछ है। माँ पार्वती को चढ़ाई गई चूड़ी? रे बंसी, ये तेरे हाथ में कैसे आई रे? वो आज सुबह गजेंद्र के हाथ से गिर गई थी, मैंने उठा ली। ये झूठ बोल रहा है ठाकुर साहब, बंसी ने कहीं और से ले ली होगी। आप इस पागल की बातों पर विश्वास मत कीजिए ठाकुर साहब। रे तूने मेरे बेटे को पागल बोला, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मंदिर के गहनों की चोरी तूने की है, मैंने तुझे अपने घर में पनाह दी, नौकरी दी, तू मेरी ही थाली में छेद कर रहा है, बता तूने गहने क्यों चुराए, बता। मैं इस तपस्या से अपने थप्पड़ का बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने मंदिर के गहनों की चोरी की। तू मेरी आंखों के सामने से इसी वक्त चला जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गजेंद्र तिलमिलाता हुआ वहां से चला जाता है, मंदिर के गहनों का असली चोर मिल गया था। तपस्या बिटिया, मैंने तेरी शिव पूजा की शक्ति देखी है मेरी बेटी, मेरे बेटे को ठीक करने के लिए भी एक बार अपने भगवान शंकर को विनती कर दे। ठाकुर साहब, एक बार बंसी से बोलिए कि शिवलिंग के आगे माथा टेके और मन से भोलेनाथ को पुकारे, देखना वो जरूर सुनेंगे। ठाकुर बंसी को शिवलिंग के आगे माथा टेकने को बोलता है और भोलेनाथ को पुकारता है। हे नीलकंठ भोले भंडारी, रे डमरू वाले,
मेरी बंसी को ठीक कर दे, मेरी विनती सुन ले रे बाबा अमरनाथ। ठाकुर के साथ साथ सब लोग शिवलिंग के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे कि तभी पिताजी क्या हुआ, आप ध्यान मग्न हो गए? मैंने तो कब की पूजा कर भी ली, आपको पता है आज दूसरे गांव के जमींदार आने वाले हैं। रे रे मेरा बच्चा, अरे तू ठीक हो गया? ए शिव शंभू, ए भोलेनाथ, अरे आपकी महिमा अपरंपार है, आज ये सब तपस्या बेटी तेरे ही कारण हो पाया है। ये सब मेरे भोलेनाथ की कृपा है, इनसे सच्चे मन से कुछ भी मांगो तो इच्छा पूरी करते हैं। तपस्या बिटिया, मैंने तुझ पर चोरी का गलत इल्जाम लगा दिया, उसके लिए मुझे माफ कर दे मेरी बेटी। ठाकुर साहब, आज आपका बेटा ठीक हो गया, मुझे इसी बात की खुशी है। ठाकुर साहब अब हम चलते हैं, तपस्या की माँ भी घर में चिंतित होगी। रे राम प्रसाद, आज तपस्या की भक्ति के कारण मेरे बेटे को जीवन मिला है, मैं चाहता हूँ तपस्या मेरे घर की बहू बने, मेरे बंसी की शादी मैं तुम्हारी बेटी तपस्या से करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर रामप्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। घर जाकर वो सारी बात तपस्या की माँ को बताता है और कुछ दिनों बाद शिव मंदिर में तपस्या और बंसी की शादी हो जाती है। गजेंद्र को अपने किए की सजा मिल जाती है, मंदिर के सारे गहने वापस मिल जाते हैं, तपस्या की शिव पूजा सफल हो जाती है और शादी के बाद बंसी और तपस्या खुशी खुशी रहने लगते हैं। ठाकुर भी अपने बेटे को सही सलामत देखकर खुश हो जाता है और उस दिन से ठाकुर का स्वभाव भी सब गांव वालों के लिए अच्छा हो जाता है। तपस्या के माँ बापू भी अपनी बेटी का घर बसा देखकर शिव जी को धन्यवाद देते हैं।